नमस्कार। आज की प्रथम दिवस योग के संदर्भ में वीडियोस में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तैयारी की। हमें जब योग करना है तो हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है, मन से भी और तन से भी। तो मन से तो हम लोग रेडी हैं ही, हम लोग बैठे हैं आज, तैयार हैं योग करने के लिए, लेकिन हमें तन से भी तैयार रहने के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को कुछ सूक्ष्म एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, सूक्ष्म हमें जो है ना व्यायाम करने होते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम करने से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा प्रॉपर शरीर में होने लगता है, लचीला शरीर होने लगता है, और फिर हमें जो आगे के आसन हैं, आगे की चीज़ें हैं, करने में हमें आसानी होती है। तो इसमें हम लोग सर्वप्रथम अपने जो पूरे बॉडी पार्ट्स की जो है इसको हम यूज़ करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और हम लोग शुरुआत करेंगे अपने पैरों से लेके पंजों के से लेके हमारे पूरे गर्दन तक, हाथों तक, भुजाओं तक, सब तक का व्यायाम हमें करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेना है। दोनों पैर हम सामने खोलेंगे और धीरे से पंजों को हम आगे पीछे, पीछे आगे करेंगे। हाथ हमारे शरीर से लगे हैं, सामने हमारी दृष्टि है, और पंजों को हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, फिर सर्कुलर मूवमेंट दाहिने से बाईं ओर, राइट से लेफ्ट की ओर, सिर्फ पंजे, राइट से लेफ्ट की ओर, फिर लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर। उसके बाद इस तरह से हम दोनों पैरों को थोड़ा सा लूज़ करेंगे, ढीला करेंगे, और दोनों हाथों को हम धीरे से ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए हम दोनों हाथों से पंजों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। पंजे नहीं तो एड़ी, एड़ी नहीं तो एंकल्स, जहां तक आपका हाथ जा पाए, स्ट्रेंथ से स्ट्रेचिंग, पूरे शरीर को स्ट्रेचिंग, तान तनाव, तनाव देंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, धीरे से वापस, फिर एक पैर को साइड में ऐसे रख के दबाएंगे इस तरह से। बायां पैर सीधा है, दाएं को हमने फोल्ड किया है, इसको हमें बाईं जांग पर दबा कर रखना है थोड़ी देर, धीरे से फिर छोड़ना है। पुनः ऐसे ही दूसरा पैर ये दबा के हाथ से पकड़ सकते हैं, ये वाला पैर सीधा है और लेफ्ट पैर हमारा मुड़ा हुआ है, बाकी पूरा शरीर स्ट्रेट है। इस तरह से हम लोग 5 बार 1 2 1 2 1 2 1 2, दूसरा फिर 1 2 1 2 1 2, इस तरह से हम अपनी क्षमता अनुसार, इसको समय अनुसार धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। फिर इन दोनों ही पैरों को हम लोग अपने शरीर के पास ले आएंगे, बटरफ्लाई की स्थिति करेंगे, तितली आसन जिसको बोलते हैं, तितली आसन करेंगे। इससे हमारी दोनों जंघाएं बिल्कुल लचीली बनती हैं, हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उस पर असर पड़ता है, और जो मासिक धर्म से संबंधित जो भी परेशानियां हैं स्त्रियों की, वो दूर होती हैं। इसमें दोनों पैरों को
समान रूप से हमें हिलाना है। जैसे तितली की पोजीशन है, तितली जैसे पंख फड़फड़ाती है, उस तरह से हमारी ये स्थिति होती है। बहुत ही अच्छा, देखने में बहुत सरल है, लेकिन इससे पूरे शरीर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही उपयुक्त आसन है, बल्कि इसको जो लोग अगर रोज़ करें, हम लोग नियमित रूप से करें, तो जितनी भी हमारी स्त्रियों की जो भी संबंधी मासिक धर्म संबंधी या स्त्रियों से संबंधित जो भी रोग हैं, वो सब धीरे 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 दूर होने लगते हैं। और कहते हैं कि इससे करने से हमारी पैंक्रियास पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी इसको अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। धीरे से पैर सामने, पुनः थोड़ा सा इसको हम लूज़ कर लेंगे, जो हमारे तनाव कहीं हो गया है तो उसको हम लूज़ कर लेंगे, ढीला कर लेंगे। और साइड से भी हम लोग थोड़ा सा गैप रख लें पैरों में, ऐसे साइड से, हाथ वहीं हैं हमारे, शरीर सीधा है और हमें पैरों को हिलाना है। तो आज हमने लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में अपने जो पंजे हैं, पैर के पंजे, घुटने का व्यायाम किया, और कल हम कमर का व्यायाम बताएंगे जो सूक्ष्म व्यायाम में शामिल होता है। और उसके बाद जब हमारे पैर लचीले होंगे, थाइज लचीली होंगी, कमर हमारी जो वार्म अप हो जाएगी, उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर के अंगों की ओर बढ़ेंगे और इस तरह से हम योग के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद।